दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हमें गवर्नमेंट सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर की ओर बढ़ना चाहिए। जैसा कि कोरोना ने पूरे विश्व को प्रभावित कर रखा है, पूरी अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर रखा है, ठीक है, ऐसे में हर गवर्नमेंट द्वारा लॉकडाउन का डिसीज़न लेना बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन इसके साथ ही निम्न वर्ग जो कि श्रमिक लोग हैं, इनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। किसान को भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, काफ़ी फसलें ख़राब हो गई हैं, समय पर कटाई ना होने के कारण उन्हें काफ़ी हानि का सामना करना पड़ रहा है। अब जब निम्न मध्यम वर्ग की बात करें तो ऐसे में जो कि प्राइवेट की तरफ ज़्यादा मुखर होते हैं, ठीक है, तो ऐसे में उनको भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। जैसे कि अगर समस्याओं में देखा जाए तो सबसे पहली जॉब की, लोन की समस्या, जो उन्होंने किसी न किसी वजह से लोन लिया होगा शिक्षा के ऊपर या किसी और पर, दूसरी अपनी जॉब सिक्योरिटी के ऊपर कि जॉब बचेगी नहीं बचेगी, तीसरा रेंट के ऊपर कि अब जो वहाँ रेंट पे रह रहे हैं वो किराया कैसे देंगे, अपने बिल कैसे देंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें को अभी किसी तरह से रोका नहीं किया गया है। अब प्राइवेट इंस्टीट्यूट की बात करें, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज, तो वो लोग क्या कह रहे हैं कि प्राइवेट जितने भी हैं वो सब कह रहे हैं कि आप वो वर्कर की छटनी कर रहे हैं, जैसा कि आप एग्जांपल में समझ सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर बैंक का रुख किया जाए या फिर कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट की बात की जाए जो कि क्या करती है, इंश्योरेंस करती है, कोई भी चीज़ करती है, वो अपनी किस्तें लेने से अभी रोक नहीं रहे हैं, बल्कि किस्त पर किस्त मांग रहे हैं। ऐसे में गवर्नमेंट को यह सोचना चाहिए कि क्या हमें पूरा प्राइवेटाइजेशन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। जैसे कि इस एग्जांपल में समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट अगर आपको जॉब दे रही है या फिर आप पर किसी कंपनी पर रोक लगा रही है, ठीक है, तो इसका मतलब उसकी सिक्योरिटी, जॉब की सिक्योरिटी हमेशा बनी रहेगी, उसे कभी भी समस्या का सामना इतना अधिक नहीं करना पड़ेगा जितना कि प्राइवेट में करना पड़ता है। जैसा कि आप इस लॉकडाउन में आप समझ ही सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।